हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। बायोमोलिक्यूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बायोमोलिक्यूल में हमने जब केमिकल एनालिसिस की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब हमने केमिकल एनालिसिस की थी तो हमको वहां पर दो कंपोनेंट मिले थे, एक एसिड इनसॉल्युबल पूल, दूसरा एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल को हमने रिटेंटेट कहा था, एसिड सॉल्युबल पूल को हमने फिल्ट्रेट कहा था। जो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इसमें हमको चार चीजें मिली थी जिसको हमने बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहा था, जिसमें लिपिड न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट थे, जिसमें से हमने सभी को डिस्कस कर लिया है, सिर्फ हमारी न्यूक्लिक एसिड बची है। न्यूक्लिक एसिड दरअसल बनी हुई होती है न्यूक्लियोटाइड से। लिपिड जो न्यूक्लिक एसिड हमारी होती है, ये बनी हुई होती है न्यूक्लियोटाइड से। अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड दरअसल बना हुआ होता है तीन चीजों से। एक होती है हमारी शुगर मोनोसैकेराइड, दूसरी होती है हमारे पास फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, तीसरे हमारे पास होती है एक हेट्रोजीनस कंपाउंड जो नाइट्रोजीनस बेसेस होते हैं। ये नाइट्रोजीनस बेसेस जिसको मैंने डिस्कस भी किया है आगे, ये होता है प्यूरीन और पिरिमिडीन, दो टाइप का होता है। जो प्यूरीन होता है इसमें दो टाइप के होते हैं, पिरिमिडीन तीन टाइप का होता है। प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन में थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये जो हमारा डीएनए होता है और आरएनए होता है, यही हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसका नाम कैसे पड़ता है। दरअसल न्यूक्लिक एसिड तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो शुगर होती है वो आरएनए में राइबोस पाई जाती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या होता है, ये हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। जो राइबोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर, ये दरअसल इसमें जो सेकेंड पोजीशन होती है, राइबोस की जो सेकेंड पोजीशन होती है उसमें जो ऑक्सीजन पाया जाता है, तो हम इसको राइबोस शुगर बोलते हैं। डी का मतलब हटाना, जब हमने यहां से ऑक्सीजन हटा दिया, डी ऑक्सी यानी ऑक्सीजन को जब हटा दिया तो हम इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ये पाया जाता है कंडीशन आरएनए में, जबकि ये होती है हमारी डीएनए में। ये हमारा डीएनए में होता है, जबकि ये डीएनए में, ये आरएनए में होता है, ये डीएनए में होता है। उसके बाद हमारा जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके बीच में एक खास बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड बनता कैसे है? दरअसल एक शुगर का जो 5' एंड होता है, वो दूसरे शुगर का जो 3' एंड वाला कार्बन होता है, दूसरे शुगर के 5' एंड वाले कार्बन से फॉस्फेट की हेल्प से एक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट बॉन्ड। हर शुगर के पास 3' वाला भी कार्बन होगा, 5' एंड वाला भी कार्बन होगा, 5' एंड वाला भी कार्बन होगा, 3' एंड वाला भी कार्बन होगा, तो हर शुगर बनाएगा दो बॉन्ड, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनते हैं इसको हम देखते हैं। ये जो 3' वाला एंड वाला कार्बन है इस शुगर का, और इस शुगर का 5' एंड वाला कार्बन है, दोनों के बीच जो फॉस्फेट की हेल्प से ये बॉन्ड बना, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इस शुगर के पास 5' एंड वाले के पास 3' एंड वाला भी है, ये दूसरे वाले 5' एंड वाले से दूसरा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनाएगा। इन दोनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। इन दोनों को हम लोग कंबाइनली बोलते हैं फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। अब जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत सारे शो करता है, लेकिन जो डीएनए में पाया जाता है और जो डीएनए का फेमस मॉडल है जिसको वॉटसन और क्रिक ने दिया था, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैंने बोर्ड पर ड्रा किया है। इसकी जो बैकबोन होती है वो बनी हुई होती है शुगर फॉस्फेट शुगर से, शुगर फॉस्फेट शुगर। इसी को मैंने जूम करके यहां पर दिखाया है। ये जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे 12th की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 में, लेकिन थोड़ा सा यहां इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो
यहां पर नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं वो शुगर से इनसाइड प्रोजेक्टेड होती हैं। यहां देख लीजिए, ये मैंने थाइमिन बनाया, ये एडिनिन बनाया, शुगर से इनसाइड प्रोजेक्टेड होती हैं। ये जो हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसमें जो नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं वो शुगर से यानी बैकबोन से इनसाइड प्रोजेक्टेड होती हैं। ये जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब अगर यहां पर 5 डैश एंड होगा तो उसके सामने 3 डैश एंड होगा, 3 डैश के सामने कभी भी 3 डैश नहीं आएगा। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट पोलैरिटी इनकी होनी चाहिए, यानी 5 डैश एंड है तो यहां 3 डैश एंड होना चाहिए। ये जो हमारा नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं जिसमें से थाइमीन एडिनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि गुआनिन के साथ साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये जो हमारा स्ट्रैंड होता है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का जिसमें डीएनए एग्जिस्ट करता है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये इसकी जो पिच होती है वो इसको हम लोग बोलते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को पिच। ये जो पिच होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है, और इस पिच में 10 बेस पेयर पाए जाएंगे। इस पिच के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, और एक बेस पेयर ऐसे समझिए ये सीढ़ी की तरह होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे आपने गोल गोल सीढ़ी देखा होगा किसी ना किसी बिल्डिंग में, तो वैसे ही ये सीढ़ी की तरह होता है, स्टेयर केस की तरह होता है, जिसमें ये जो पिच होती है उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, जबकि इसके अंदर पाए जाते हैं 10 बेस पेयर, यानी सीढ़ी के अंदर 10 स्टेप हैं। ये पूरी सीढ़ी जो है उसके अंदर 10 स्टेप हैं, और एक स्टेप के बीच की दूरी एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बेस पेयर से अगर मैं यहां पर दो बेस पेयर बनाता हूं तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी या 0.34 नैनोमीटर होगी। ये जो बेस पेयर होते हैं वो टिल्टेड होते हैं, थोड़ा सा टिल्टेशन पाया जाता है, थोड़ा सा झुके हुए होते हैं, 36 डिग्री एंगल होता है। ये जो हमारी बेस पेयर होती है वो 36 डिग्री टिल्टेड होती हैं। ये जो हमारा डीएनए, इस फीचर का जो डीएनए की इसमें 30 डिग्री टिल्टेड होता है, इस फीचर वाला जो डीएनए होता है इसको हम लोग बी टाइप ऑफ डीएनए बोलते हैं। हमारे पास डीएनए बहुत तरह का होता है, लेकिन इस फीचर वाला जो डीएनए होता है उसको हम बी टाइप का डीएनए कहते हैं। आज हमने माइक्रोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया, इससे पहले मैंने सभी को डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लिक एसिड जो हमारा होता है बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड से। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बना हुआ होता है हेट्रोजीनस बेसिस से, शुगर और फॉस्फेट से। हेट्रोजीनस बेसिड में नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं जिसका नाम होता है एडिनिन और गुआनिन, ये प्यूरीन होते हैं, जबकि साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन पिरिमिडीन होते हैं। ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है उसके पास एक फॉस्फेट बॉन्ड पाया जाता है जो बना हुआ होता है 3 डैश एंड ऑफ कार्बन से। दूसरा जो बॉन्ड बना दूसरे शुगर के 5 डैश एंड वाले कार्बन से विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट बॉन्ड। ये दो बॉन्ड बना हुआ होता है इसी वजह से हम, यानी हर शुगर के पास एक 3 डैश वाला एंड वाला भी कार्बन होगा और एक 5 डैश एंड वाला भी कार्बन होगा, इसीलिए हर शुगर दो बॉन्ड बनाता है, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन जो सबसे फेमस है वो वॉटसन और क्रिक का है जो 1953 में दिया गया था। 1953 में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया गया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो डबल स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, और उसमें जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट शुगर से बनी हुई होती है, जिसमें नाइट्रोजिनस बेसिस इनसाइड प्रोजेक्टेड होते हैं परपेंडिकुलरली, और ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो टिल्टेड होते हैं 36 डिग्री। जो पिच लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 नैनोमीटर, जो ये एक पिच लेंथ में एक पिच में पाए जाते हैं 10 बेस पेयर। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है।
इस फीचर वाला जो हम लोग डीएनए पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बी टाइप ऑफ डीएनए। ये डीएनए और किस कैसे कैसे जेनेटिक मटेरियल अरेंज होते हैं, कैसे उनकी पैकेजिंग होती है, ये सब फर्दर डिस्कशन हम लोग 12th में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।